जो न्यू जनरेशन में विराट कोहली को कौन करीब फटकेगा उसके, तो ये लड़का है जो करीब फटकेगा विराट कोहली के, क्योंकि दूसरा इंडिया का बैटर 16 सालों में जिसने 800 रन क्रॉस किया आईपीएल के। ये मुझे भी दो दिन का टाइम है, प्रिंस सुमन गिल की तस्वीर पीछे आपको नजर आ जाएगी, टेंशन ले लिया आपने, क्योंकि वो इस टाइप कुछ नहीं खेल दिया ना इतने बड़े मैच में, इतने प्रेशर वाले मैच में, इतने बड़े ग्राउंड में, मतलब यार पिछले चार इनिंग हुए अगले के 300 है और आप उसको ग्रेस में ले जाओ। विराट 6 महीनों से छठा 500 महीना शुरू हो रहा है, छठा महीना आने वाला है, पिछले 5 महीनों से एक ही बात कर रहा हूं, वर्ल्ड कप का साल है, वर्ल्ड कप के साल के अंदर शुभमन गिल का बल्ला चल रहा है और देखते देखते उसने 8 सेंचुरियां मार दी है, 8, एक और सेंचुरी मार दी, और चलो ओडीआई की समझ आती है, टेस्ट की समझ आती है, टेस्ट और ओडीआई में सेंचुरी मारी जा सकती है, टी20 इंटरनेशनल में भी सेंचुरी, आईपीएल में 4 मैचों में 3री सेंचुरी लगातार उसकी सुनते, 3री सेंचुरी हो रही 4 मैचेस के अंदर, और आज तो शुभमन गिल क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, विराट कोहली ही संभाले नहीं जा रहे थे और अब जो शुभमन गिल भी आ गया है और शुभमन गिल पूरी दुनिया में इस टाइम ट्रेंड कर रहे हैं और हर तरफ गिल 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 ही मची हुई है और होना भी चाहिए यार जिस तरह से जाएगी फाइनल में, बट व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय शुभमन गिल, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस की, किस तरह ग्रेजुअली करते करते एक्सेलरेट किया एंड फिर ऐसा एक्सेलरेट किया कि बाकी सबसे देखते रह गए, ओनली इट वाज लाइक फील्डर्स वर स्पेक्टेटर्स, द बॉलर वाज स्पेक्टेटर, इट वाज शुभमन गिल पार्टिंग इन द सेंटर। भाई सब दो गेम टेस्ट से गए, एक जा शुभमन गिल था और एक जा शुभमन गिल नहीं था, ये है डोमिनेंस। उन सारे मेरे पहले भाइयों को जो आईपीएल में मुझसे बहुत सारी दफा नाराज हुए जब मैं शुभमन गिल की 60 रन उसने बनाए विकेट थ्रो करके चला गया, मैं बोलता था लड़का है कि ऐसी धुआंधार फॉर्म में आईपीएल में आ रहा है, इसलिए अगर टॉप नहीं करेगा आईपीएल तो मुझे जरूर दुख होगा, इस बात का किसी को दुख होना हो, लोग मुझे बोलते थे अबे तुम्हें क्या हो गया, तुम लीग की बातें करते हो, तुम ये करते हो, तुम फला करते हो, शुभमन गिल और नहीं भी कर रहा तो क्या हो गया, मैंने कहा था सफर करो ना आईपीएल खत्म होने तो सब पता चलेगा, सब बात मैं आपको बताऊंगा, इस लड़के में बहुत टैलेंट है, आज आपके सामने ऑरेंज कैप होल्डर और क्या सेंसिलेटिंग, आज सेंचुरी मारी इस लड़के ने, मतलब मैं आज सवेरे कोई कह रहा था कि 16.4 ओवर के ऊपर ये आउट हो गया, अगर आज ये आउट ना होता कोई पता नहीं हम आईपीएल के अंदर आज डबल सेंचुरी भी देख लेते, क्योंकि जिस फॉर्म में आज शुभमन गिल था 49 बॉलों पे सेंचुरी, उसकी 5 बॉलों के बाद उसने 20 रन और जोड़े, शुभमन गिल वाज बैटिंग ऑन अ डिफरेंट सरफेस विद अ डिफरेंट माइंडसेट विद अ डिफरेंट इंटेंट, मतलब ही वाज जस्ट क्लास अपार्ट टुनाइट, आपने मुंबई मुंबई इंडियंस के सामने खेलने वाली गुजरात टाइटन जो कि आज हमारे होम क्राउड के सामने खेल रही है, इतना बड़ा गेम है कि आप फाइनल में जाओगे, आप घर वापस जाओगे, आपकी कैंपेन खत्म हो जाएगी, गुजरात टाइटन वो टॉप पे बैठी हुई टीम है जो कि अगर फाइनल तक क्वालिफाई नहीं करती तो अपने आपको गटेड फील करेगी। आज विराट कोहली ने भी स्टोरी लगाई शुभमन गिल की, शुभमन गिल इस आईपीएल में 851 रन है, उसके चौथा प्लेयर बना विराट कोहली जॉर्ज बटलर डेविड वार्नर के बाद जिसने एक आईपीएल के सीजन में 8 से ज्यादा रन बनाए, अभी फाइनल पड़ा हुआ है, शायद वो अगर अगला शो करता है तो शायद सबसे ज्यादा रन करने वाला प्लेयर बन जाए, मतलब एक्सेप्शनल प्लेयर है यार, नेक्स्ट सुपरस्टार मैं उसे बोलूंगा, शुभमन गिल क्रिकेट का नेक्स्ट सुपरस्टार है, वो कहते ना कि रोहित शर्मा तेज खेलता था, विराट कोहली क्लास वाला प्लेयर था, दोनों का मिक्स करें ना तो शुभमन गिल बनता है, वो तेज भी खेल लेता है और क्लास को आपको पता है जो जो उसकी टाइमिंग है ना एक्सेप्शनल प्लेयर है यार, लिटरली मजा आ जाता है उसकी बैटिंग देख के, और आज तो मैं ना उसका फैन हो गया हूं, अगर मैं उसकी बैटिंग का 90% फैन था ना आज मैं 100% फैन हो गया हूं, लिटरली मुझे शुभमन गिल आज से मेरे दिल में आ गया, जिस तरह मैं विराट कोहली की बैटिंग को देखता हूं ना इस तरह मैं शुभमन गिल का बहुत फैन बन गया हूं, क्योंकि आज उसने ये बता दिया कि बड़े मैच में क्यों हम विराट कोहली के ऊपर मीटर लगा रखते हैं, क्यों बड़े मैच में हमें हमेशा एक ही बंदा याद आता है उसका नाम है विराट कोहली, और आज शुभमन गिल ने ये बताया कि बड़े मैच का प्लेयर बड़े मैच में चलता है और उसका नाम है शुभमन गिल, बाबर आजम घंटे ये घंटे के फैंस जो है वो बाबर आजम के चोरू के, ये मुझे बताओ तो कब बड़े मैच में चला, इसकी कोई बड़े मैच की नहीं मुझे बताओ ना, जरा लेके आओ ना बड़े मैच की स्क्रीनिंग, मैं भी बताऊंगा मैं भी देखूँ जी किसने कब बड़े मैच में रन किए हैं, तो घंटे के फैंस को ये मैं बता दूं आपका घंटा कोई किंग कुंग नहीं है, एक किंग है विराट कोहली, और अगर इस एरा में अगर आप बात करें ना जो नेक्स्ट सुपरस्टार आ रहा है उसका नाम है शुभमन गिल, ये प्लास्टर किंग और ये फजूल किस्म के किंग कुंग नहीं चाहिए हमें, ये हमें रीजनल किंग चाहिए जो रन करे आगे जो परफॉर्मेंस दे, तेज भी खेले और जो क्लास के साथ खेले, देखे 234 आप चेक कर रहे हैं मुंबई इंडियंस को मैं बोलूंगा, और आप ऊपर से ये गलती करते चलो ईशान किशन यार इंजरी होगी बाहर गए, आपने निहाल वडेरा को नहीं ओपन करवाना चाहिए, मुझे लगता है कैमरन ग्रीन और रोहित शर्मा को ओपन करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, उसके बाद आप पावर प्ले में 2 विकेट देकर जा रहे हो, आप 234 चेक कर रहे हो पावर प्ले में आप 2 विकेट देकर जा रहे हो, फिर आपने एक और बहुत बड़ी टेबल मारी जो मुझे लगा कि जब तिलक वर्मा आउट हुआ उधर ही आपको जो है वो भेजना चाहिए था टिम डेविड को, ताकि उधर मैक्सिमम हिटें लगती रिक्वायर्ड रन रेट पीछे आती फिर मैच में आप जाते, आपने तो विंशो विनोद को भेज दिया उसका 102 आईपीएल का स्ट्राइक रेट है यार, उसने उधर क्या करना था, तिलक वर्मा ज्यादा तो लगा हुआ था लेकिन वो अकेला बेचारा क्या करता, अगर उधर टिम डेविड साथ आता दोनों मारधार करते तो शायद मुंबई मैच में आ जाता, लेकिन क्या एक्सेप्शन बॉलिंग किया मोहम्मद शमी के गवर में जो है वो तिलक वर्मा ने अच्छा खासा रन लिया, लेकिन मोहम्मद शमी ने पहले जो 2 विकेट ले ली थी वो एक्सेप्शन काम कर दिया था, उसके बाद मोहित शर्मा ने जो आउट किया कुमार यादव को वो मैच टर्निंग विकेट थी, सूर्य कुमार यादव को मैं बिलीव नहीं था रहा कि मेरे साथ हो गया क्या, मतलब मुझे सूर्य को यही लग रहा था कि बाल थोड़ी सी ऊपर आएगी लेकिन बाल थोड़ी सी लो नीचे रहेगी और थोड़ी पेस में कम थी, तो सूर्य कुमार यादव को भी समझ नहीं है कि मेरे साथ हो गया क्या, लेकिन भाईजान शुभमन गिल ये नाइट शुभमन गिल की, और शुभमन गिल ने भाईजान विमेंस का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जब शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे ना तो आईपीएल की विमेंस का रिकॉर्ड टूटा, इससे पहले शुभमन गिल मतलब आईपीएल में इतनी रिकॉर्ड शिप नहीं आई, जब शुभमन गिल मतलब अंडर के करीब या छक्के छक्के मारे थे ना जब जितनी शुभमन गिल के मतलब बैटिंग के टाइम आई है, और शुभमन गिल ने ना अपनी इस बैटिंग में सबके मुंह बंद किए हैं जो ये कह रहे थे ये 100 नहीं कर सकता या ये T20 का प्लेयर नहीं है ये स्लो खेलता है ये करता है, सर 32 बॉलों को उसने 50 किया, 49 बॉलों को उसका 100 था, मतलब 1 50 32 बॉलों पर 1 50 उसने 17 बॉलों पर लिया, टोटल उसने 60 बॉलों पर 129 रन किए, उनके मुंह पर तमाचे मारे जो शुभमन गिल से जालिस होते हैं, ठीक है ना, ये घंटे बाबर आजम के फैंस की बात कर रहा हूं मैं, जी शुभमन गिल ये चलता नहीं है ये नहीं करता यार, एक बंदे ने आईपीएल में 300 मार दिए पिछले 4 मैचों में उसके 300 है, अब उसको आप कह रहे हो उसको सिखाने की बातें कर रहे हो, अगले की दाद विराट कोहली दे रहा है, अगले की हर स्टोरी पे विराट कोहली की स्टोरी पे शुभमन गिल लगा होता है, छोटा प्लेयर माना हुआ आपने, और भजन रोहित शर्मा तक ने भजन क्रेडिट दिया शुभमन गिल की, बोलता हूँ क्यों ना बोलो शुभमन गिल भाई बाबा से बेहतर है, मैं बोलता हूँ विदाउट
बेस्ट प्लेयर इन पाकिस्तान बट नथिंग इन फ्रंट ऑफ शुभमन गिल। ये बात मैंने क्यों बोली है, क्योंकि यार हमारे लोगों को आदत हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में बाबर से अच्छा प्लेयर कोई नहीं आया था, इसलिए हमारे लोगों को आदत हो चुकी है बाबर की तारीफ करने में। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया में बाबर से बेहतर कोई नहीं है। पहले विराट कोहली के पीछे पड़े हुए थे, कोहली से बाबर आगे चला गया, भाई कहां आगे चला गया मुझे बता दो, ठीक है। अब कोहली की जान छोड़ी है, अब शुभमन गिल के पीछे पड़े गए, यार शुभमन गिल के साथ बाबर का कंपैरिजन कौन करता है, क्यों करता है, वही कौन कर रहा है कंपैरिजन, तो तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग ही खुद जो है वो मीडिया में आके बोल रहे हो, बोल रहे हो यार शुभमन और बाबर का कंपैरिजन बनता ही नहीं है, बाबर बहुत आगे है, बाकी तो किसी ने इंडिया से उसके किया ही नहीं है कंपैरिजन, इंडिया वाले ये समझते ही नहीं है कि बाबर आजम शुभमन गिल से कंपेयर करने के काबिल है, तो फिर तुम खुद वीडियोस बना रहे हो, तुम खुद जो है वो उसको कंपेयर कर रहे हो, ये कह रहे हो यार शुभमन गिल को बाबर के साथ कंपेयर ना करो, मुझे बता दो कंपेयर कर कौन रहा है भाई, किसी ने तो किया ही नहीं है और कोई करना चाह भी नहीं रहा है, ये क्या होता है, सिर्फ मीडिया में खुद जो है वो फैलाई जाती है बात ताकि मेरा कंपैरिजन हो जाए इसके साथ, जैसे विराट कोहली के साथ कंपैरिजन किया जा रहा था बात। सुमन गिल के 129 रन की तूफानी पारी देखकर पूरी दुनिया में हंगामा मचा, जिस तरह सुमन गिल ने बैटिंग की काबिले तारीफ, 60 गेंदों में 129 रन की पारी खेली जिसमें 10 गेंदों में 24 छक्के लगाए, जिसके बदौलत गुजरात ने 20 ओवर में 233 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, उसके जवाब में उत्तरी मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 171 रन ही बना पाई और मुंबई यह मैच बुरी तरह हार गई और गुजरात फाइनल में पहुंच गई IPL 2023 का।